हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला माय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्यूटर ओलंपियाड से क्लास थर्ड के लिए मॉडल पेपर। SOF ओलंपियाड में किस प्रकार के मॉडल पेपर होते हैं, इसे हम देखेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम सिलेबस थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास थर्ड के लिए कंप्यूटर्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम 1 घंटे का रहता है। पेपर 3 सेक्शन में बटे रहते हैं। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा कंप्यूटर एंड IT एंड थर्ड अचीवर सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, मार्क्स एज पर 1 क्वेश्चंस। कंप्यूटर एंड IT से 25 क्वेश्चंस एंड एज अ मार्क्स 1 रहते हैं। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं एंड मार्क्स पर क्वेश्चंस 2 रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर एंड IT से 25 क्वेश्चंस रहते हैं और पर मार्क्स 1 रहते हैं। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहते हैं और पर मार्क्स पर क्वेश्चन 2 रहते हैं। चलिए इसके सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन 1 लॉजिकल रीजनिंग के लिए सिलेबस हो जाते हैं, पैटर्न एनालॉजी क्लासिफिकेशन। चलिए इसको और जूम कर देते हैं। क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मिरर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, अल्फाबेट टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर, फिगर मैट्रिक्स, जियोमेट्रिकल शेप, डेज एंड डेट एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सेक्शन 2 से कंप्यूटर्स के पेपर्स के जो सिलेबस रहते हैं, जो CBSE बोर्ड या अदर्स कोई भी स्टेट बोर्ड के सिलेबस होते हैं, क्लास टेट के ऑलमोस्ट वही सिलेबस हैं ये भी। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, MS पेंट, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट, कंपोनेंट MS वर्ड विंडो, एडिटिंग कमांड्स लाइक कट कॉपी पेस्ट, अंडू एंड रीडू, मूविंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग होम एंड एंड कीज, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द फील्ड ऑफ IT। एंड सेक्शन 3 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर एज सेक्शन 2 से रहते हैं। क्वेश्चन बेस जो रहता है इसमें विंडो 2007 एंड MS ऑफिस 2010 पर बेस्ड टू कंप्यूटर में क्वेश्चन पेपर रहते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर के क्लास थर्ड के चैप्टर वाइज जो है एक्सप्लेन एंड इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही ओलंपियाड क्वेश्चंस की भी सीरीज एक उसमें लगी हुई है चैप्टर वाइज, वो आप उसे एक बार अवश्य देखें। अगर आपका बच्चा क्लास थर्ड की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द पैटर्न इन फिगर X। यहाँ X पे क्या होना चाहिए, A, B, C एंड D। चलिए इसको हम करके देखते हैं ये कौन सा इमेज जा रहा है। चलिए इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला दिए और ये लाइन ऐसे गया और ये लाइन ऐसे गया। तो ये फिगर जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में टैली कर रहा है, ये राउंड है थोड़ा सा, तो ये ऑप्शन C में हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द एंट रिटर्न ऑफ इट्स होम। चलिए काउंट करते हैं कितने तरीके से एंट जो है अपने घर पर आ सकती है। अलग अलग मैं कलर ले लेती हूँ जिससे आपको फाइंड करने में इजी रहेगा। पहला हो जाता है 1 वे, ठीक है। सेकेंड हम इस कलर से ले लेते हैं, यहाँ से गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ 2 हो गए। फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं 2 के बाद जो है यहाँ से ऐसे गई एंड ये लाइन हो गया 2 हो गया। अब इधर से हम ले लेते हैं 3, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं ये
यहाँ से ऐसे ले, फिर ऐसे थ्री फोर, फिर हम ले लेते हैं इस तरह, ये यहाँ से गई फोर, फिर इधर आई और फिर इधर गई फाइव, एंड नेक्स्ट दूसरा कलर हम ले लेते हैं फाइव के बाद, एक इधर चली जाएगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर सिक्स, एंड फिर हम इसको ले सकते हैं इधर एंड इधर, फिर इधर गया एंड फिर इधर गया, दिस इज सेवन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री के अकॉर्डिंग, इफ स्टार इज सन, सन इज कॉल्ड मून, मून इज कॉल्ड अर्थ एंड अर्थ इज कॉल्ड कॉमेट, तो द मैन लिव्स ऑन। मैन कहाँ रहता है बच्चों? अर्थ पर, ठीक है, और अर्थ को हम क्या कह रहे हैं? अर्थ इज कॉल्ड कॉमेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सेक्शन से। चलिए इसमें हम देख लेते हैं इंफॉर्मेशन सेक्शन से, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला है सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ रिगार्डिंग सेल परफॉर्म इन पेंट प्रोग्राम, रेक्टेंगल, कर्व लाइन, स्टार एंड ये क्यू बन रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑड वन आउट है जबकि ये तीनों लाइंस जो है एक ही बार राउंड करके हम बना सकते हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमेज ऑफ एबेकस, एबेकस का इमेज इसमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज एबेकस। नंबर सिक्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ ब्रश इन एमएस पेंट ऑफ विंडो 7 विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग नेम, ए मार्कर, बी नेचुरल पेंसिल, सी कैलियोग्राफिक ब्रश वन एंड डी वाटर कलर ब्रश। सो ऑड वन आउट इन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसका सी, दिस इज नॉट अ कैलियोग्राफिक ब्रश वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन पे हम आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑपेरा मिनी, बिंग, सफारी, इंटरनेट, एक्सप्लोरर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिंग। वन, बिकॉज ऑपेरा मिनी, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ये तीनों जो है वेब ब्राउजर है जबकि बिंग जो है सर्च इंजन, इसीलिए ये सबसे अलग है। एट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंप्यूटर इज नॉट करेक्ट, ए यू कैन वॉच मूवी ऑन इट, इस पर आप मूवी देख सकते हैं, बी यू कैन सॉल्व द सम्स ऑन इट, करेक्ट, यू कैन प्ले गेम ऑन इट, यस, एंड यू कैन कुक फूड विथ इट, रॉन्ग, आप कंप्यूटर पर खाना नहीं बना सकते हैं। सो करेक्ट आंसर नॉट करेक्ट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, द की डेट इरेज कैरेक्टर टू वॉच द लेफ्ट फूड, लेफ्ट इज लेफ्ट से कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा की है? बैक स्पेस, डिलीट, एंटर की, स्पेस बार की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बैक स्पेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन के लिए हम आ जाते हैं, फाइंड द ऑड टर्म आउट, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक। ऑड वन आउट इज द मॉनिटर, मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस जबकि कीबोर्ड, माउस एंड जॉयस्टिक इज द इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11, द कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्स द ए वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर कीबोर्ड, बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन कंप्यूटर, सी फ्लो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर एंड डी
performs the all arithmetic and logical operation. Correct answer is option C, flow data in the computers. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं. MS Paint is a window program that is used for calculation, writing letters, drawing purposes, preparing presentation. MS Paint में बच्चों हम क्या करते हैं? Drawing करते हैं. So correct answer is option C. Drawing purpose. Question number 13. Which of the following is not example of search engine? Option B, Facebook is not a search engine, but Google, Bing and Yahoo is a search engine. Next question number आपका आ जाता है 14. 14 question numbers. चलिए start करते हैं. Alia want to create a shortcut of MS Word 2010 so that she can quickly access it, but she does not know the correct sequence of steps required to follow a created desktop shortcut. Therefore, we arrange the given step in the correct order. Alia अपने MS Word 2010 का shortcut की बनाना चाहती है, तो उसको हमें जो है steps, correct steps लिखने के लिए डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बनाने के लिए स्टेप लिखना. चलिए इसके जो स्टेप्स दिए गए हैं इसको पहले और मैं जूम कर देती हूँ, फिर हम लोग इसको करेंगे. चलिए इसको मैंने जूम कर दिया है, पढ़ते हैं. तो इसको मैं आपको सीक्वेंस भी बता देती हूँ. सबसे पहले हो जाता है क्लिक द स्टार्ट बटन, देन सेलेक्ट एंड क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, देन गो टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एंड देन हो जाएगा राइट क्लिक, देन सेलेक्ट चेंज टू फॉर्म द पॉपअप मेनू एंड लास्ट क्लिक डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन. तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन वन में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 15. Identify, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 15. Identify the following, इसमें से हमें फाइंड करना है. It is a device that convert textual data into spoken sentences. ये कौन सा डिवाइस है जो कि टेक्स्टुअल डाटा को स्पोकन सेंटेंस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. इट इज यूज टू रीड एंड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लाइंड पर्सन. यह ब्लाइंड पर्सन को पढ़ने और टेक्स्ट इंफॉर्मेशन से ब्लाइंड पर्सन उसको पढ़ पाते हैं इसके टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को. एंड इट ट्रांसलेट द इंटर टेक्स्ट इंटू स्पोकन वर्ड. और यह जो है स्पोकन वर्ड को टेक्स्ट इंटू स्पोकन वर्ड, टेक्स्ट को स्पोकन वर्ड में कन्वर्ट करता है. सो ये कौन सा डिवाइस है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देखा है तो प्लीज़ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इससे रिलेटेड कंप्यूटर्स के चैप्टर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जरूर करें. थैंक यू.